अमेरिका में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। अब अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां एक दिन में करीब 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार अमेरिका में पिछले 24 घंटे में करीब 2108 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से हुई मौत का आंकड़ा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। वहीं अमेरिका में गुरुवार को करीब 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 1,00,000 पार कर गया है। वहीं दुनिया भर में करीब 1,700,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से गुजर रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुतारेस ने सुरक्षा परिषद से कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए एकजुट रहने की अपील की है। बता दें कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर पहली बैठक में सुरक्षा परिषद से अपील करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में परिषद का एकजुट होकर इससे निपटने के लिए संकल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकी इस समय का फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी कि कोरोना वायरस महामारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक अशांति और हिंसा में वृद्धि हो सकती है जो बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता को बहुत कम कर देगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।